हम लोग कोंच माधोगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार प्रत्याशी मूलचंद निरंजन जी के पास में हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अगले आने वाले चुनाव में जनता के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं। और मूलचंद जी पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी अभी 5 वर्ष तक विधायक रह चुके हैं, तो सबसे पहले तो मूलचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी 5 वर्ष आपने जनता की सेवा की, तो उसमें कैसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो आपने जनता के लिए करी जो पहले नहीं थी, पूर्व में जिनकी भी शासन रहा या जो भी विधायक रहे उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम आपने किया, ऐसा क्या विशेष रहा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता को जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं, जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और ख़ास तौर से कोंच माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है, जनता आज पूर्ण रूप से अपने को सुरक्षित मानती है। यही 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में और जालौन ज़िले में गुंडागर्दी अराजकता चरम पर थी, लोगों के प्लाटों पर जमीनों पर कब्जे होते थे, शाम होते ही राहजनी लूट चालू हो जाती थी। आज जनता अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित मानती है, किसान 12 बजे रात को भी अपने खेत पर जाकर काम निडर होके करता है। आज माताएं बहनें भी निडर होके बाजार करती हैं, आज कोई भय नहीं है लोगों में। तमाम जन कल्याणकारी योजना जो माननीय योगी जी मोदी जी की सरकार ने जनता को दी है, उससे आज जनता प्रसन्न है। मैं आज यहाँ उमरी नगर में हूँ, उमरी नगर के अंतर्गत ही इन 5 सालों में लगभग 1000 आवास लोगों को माननीय मोदी जी सरकार के द्वारा, योगी जी सरकार के द्वारा दिए गए। जिन लोगों ने पाँच दशकों तक लगभग 50 वर्ष तक और प्रदेश में जिन लोगों ने, मैं समझते हैं 15-20 साल तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है, वो लोग अपने 50 सालों में 100 आवास भी नहीं दे सके होंगे, इन 5 सालों में 1000 आवास मिले। जनता का आरोप है कि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें महंगाई बहुत चरम पर बढ़ गई है, सिलेंडर महंगा हो गया है, सारी चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कहीं जनता का की जो है आरोप नहीं है और ना महंगाई कोई इस प्रकार से जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। पेट्रोल डीजल अवश्य बढ़ा था, लेकिन आपको पता होगा कि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल की पर्याप्त रुपए कम किए थे, जो इतना कम किया था अभी तक कोई भी सरकार इतना एक बार में कम नहीं कर सकी थी। लगभग 15 रुपये डीजल पर, 15 रुपये पेट्रोल पर कम किया। मैं समझता हूं कि मोदी जी और योगी जी की सरकार जो जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कर रही है या कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती। हम सबको पता होगा कि पहले जो वृद्ध लोग होते थे उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती थी, 300 रुपये मिलती थी। योगी जी सरकार ने ही 300 से 500 की, फिर 1000 की, अब सरकार 1500 रुपये प्रति माह है वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन करने जा रही है, जहाँ कहाँ 300 और कहाँ 1500, 5 गुना जो है पेंशन हो रही है। किसानों का को बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए पानी फ्री, छात्र छात्राओं को लैपटॉप और छात्राओं के लिए स्कूटी की भी सरकार ने जो है अपने संकल्प पत्र में ये व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो एक संकल्प होता है, किसी का कोई संकल्प है आने वाले पाँच साल में ऐसा क्या आप अपने स्तर पर करना चाहेंगे जो कि आपकी जो विधानसभा है उसमें आप आम जनता को और भी ज़्यादा जो सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इन 5 वर्षों में माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास हुआ है, विगत 15 सालों में जो सपा बसपा की लगातार सरकारें नहीं थी उन्होंने
क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया था। जो सड़कें थी वो भी उखड़ गई थी। बिजली जिन गांव में थी वहां भी खम्भे टूटे हैं तो टूटे पड़े हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां बिजली ही नहीं थी। दर्जनों गांव ऐसे थे जहां अभी तक 70 साल देश को स्वतंत्र हुए हो गए थे, लोगों को आवागमन के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं थे। आज इन 5 सालों के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी एक गाँव तो छोड़िए, कोई भी एक मजरा ऐसा शेष नहीं है जहाँ तक बिजली ना पहुँची हो। कोई भी एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां तक हम लोगों ने सड़कें ना पहुंचा दी हों। तमाम बड़े बड़े काम हुए। माधोगढ़ तहसील को बने हुए 20 साल हो गई। इस क्षेत्र में गर्मियों में ज़्यादातर आगजनी की किसानों की फसलों में नुकसान होता था। यहां कोई अग्निशमन केंद्र नहीं था। माधोगढ़ में 12,65,00,000 की लागत से अग्निशमन केंद्र बन रहा है। आज गोहन से लेकर के मध्य प्रदेश सीमा तक 2-लेन रोड बन रहा है। रामपुरा से लेकर मध्य प्रदेश सीमा तक 2-लेन रोड बन रहा है। पचनद बैराज की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमत दे दी है। तमाम ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश याद आया, लोग मांग कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे चूंकि इस संदर्भ में अभी चुनाव में कहना ठीक नहीं है। यदि जनता की बुंदेलखंड के लोगों की ऐसी मांग होगी तो भारतीय जनता पार्टी तो जनभावनाओं का ध्यान रखती है और जनभावनाओं के हिसाब से ही माननीय मोदी जी योगी जी सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे भाजपा के वर्तमान विधायक मूलचंद निरंजन जी से, जो कि हमें अपने द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करा रहे थे। जनता में भाजपा के प्रति यहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है और लोग जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ में उस रैली में शामिल हैं। बहुत भारी संख्या में बल इकट्ठा हुआ है जो कि भाजपा को सपोर्ट करता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।